सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म औरू में कहां दम था, जिसको आज दुनिया भर के बॉक्स पर रिलीज हुए 10 दिन कम्प्लीट हो चुके। बात करेंगे औरू में कहां दम था, इस फिल्म ने पहले दिन से लेके 9 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में कितनी कमाई की, बॉलीवुड बॉक्स कितना कलेक्शन किया। औरू में कहां दम था डे 10 को दूसरे संडे को इंडियन बॉक्स पर कितना कलेक्शन करने में सफल हो पाएगी। औरू में कहां दम था पहले दिन से लेकर 10 दिनों के अंदर टोटल कितना कलेक्शन कर पाई, फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, फिल्म सिनेमा हॉल में कितने दिन और चल पाएगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बेनती, इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी, ये फिल्म बॉक्स पे चलेगी या नहीं चलेगी। सुपरस्टार देखवान की इस फिल्म का दोस्तों बजट है 60 करोड़ का, जिसने अपने पहले दिन इंडिया में 1 करोड़ 90 लाख रुपये की कमाई की, दुनिया भर के बॉक्स पे 2 करोड़ 90 लाख रुपये का कलेक्शन किया। डे 2 को औरू में कहां दम था दुनिया भर के बॉक्स पे 3 करोड़ 40 लाख रुपये की कमाई की, डे 3 को 4 करोड़ 30 लाख रुपये का कलेक्शन किया। डे 4 को औरू में कहां दम था वर्ल्ड बॉक्स पे 1 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई करके डे 5 को 1 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई की। डे 6 को औरू में कहां दम था हिंदी बेल्ट में 90 लाख रुपए का कलेक्शन किया और वर्ल्ड बॉक्स पे 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की थी। डे 7 को औरू में कहां दम था हिंदी बेल्ट में 84 लाख रुपए की कमाई करके दुनिया भर के बॉक्स पे 1 करोड़ 23 लाख रुपए की कमाई की थी। लेकिन दोस्तों जैसे डे 8 स्टार्ट हुआ औरू में कहां दम था इस फिल्म का कलेक्शन लंबा गिरा। डे 8 को दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स पे हिंदी बेल्ट में 40 लाख रुपए की कमाई करके वर्ल्ड बॉक्स पे केवल 61 लाख रुपए की कमाई करी थी। डे 9 को औरू में कहां दम था हिंदी बेल्ट में 62 लाख रुपए की कमाई करने में सफल हो पाई है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 80 लाख रुपए की कमाई करके ओवर्स मार्केट में 8 लाख रुपए का कलेक्शन करके औरू में कहां दम था डे 9 को दुनिया भर के बॉक्स पे 88 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल हो पाई है। दोस्तों औरू में कहां दम था डे 10 को हिंदी बेल्ट में यानी दूसरे संडे को 90 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई करके ओवर्स मार्केट में 8 लाख रुपए का कलेक्शन करके औरू में कहां दम था डे 10 को दुनिया भर के बॉक्स पे 1 करोड़ 28 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। दोस्तों इस फिल्म में 10 दिनों के अंदर हिंदी वर्जन में 13 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई कर ली है। 10 दिनों के अंदर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 17 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई करके ओवर्स मार्केट में 2 करोड़ 8 लाख रुपए का कलेक्शन करके औरू में कहां दम था 10 दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पे 19 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। दोस्तों औरू में कहां दम था डे 10 को इतनी ही कमाई करेगी, मुझे पता भी डे 10 कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों जब रात 12 रिपोर्ट आएगी मे भी दोस्तों 4-5 लाख ऊपर नीचे हो सके, लेकिन बॉक्स के प्रोडक्शन के मुताबिक औरू में कहां दम था डे 10 को यानी दूसरे संडे को इतना ही कलेक्शन करेगी। अब दोस्तों औरू में कहां दम था लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में 15 से 17 करोड़ की कमाई करके दुनिया भर के बॉक्स पे 25 करोड़ की कमाई करके पूरे 35 करोड़ के लॉस में जाकर डिजास्टर फ्लो मूवी बनने का टैग लगवाएगी। दोस्तों औरू में कहां दम था जब तक 15 अगस्त को स्त्री 2 विदा और खेल खेल ये तीनों मूवीज रिलीज नहीं हो जाती हैं तब तक ये फिल्म थोड़ी बहुत कमाई करती रहेगी। 15 अगस्त के बाद औरू में कहां दम इस फिल्म सारी स्क्रीन वापस लेके उन तीनों मूवीज को दे दी जाएंगी। 15 अगस्त इस फिल्म के पास टाइम है, जितना कलेक्शन करना कर लो, उसके बाद इस फिल्म का कलेक्शन दी एंड हो जाएगा, क्योंकि इस फिल्म के पास अभी पूरे 1000 स्क्रीन बची हुई हैं। अगर ये फिल्म सिनेमा हॉल में चलती है तो 15 अगस्त तक चलेगी, उसके बाद इस फिल्म से सारी स्क्रीन वापस ले ली जाएंगी, मे बी स्त्री 2 को दे दी जाएंगी। लेकिन 215 अगस्त को तीन मूवीज रिलीज होने जैसे श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 और जॉन अब्राहम की विदा, अक्षय कुमार की खेल खेल है। इन तीनों में से आप लोग किस फिल्म को सबसे पहले बड़े पर्दे पे देखना चाहोगे, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी आपके लिए कुछ खास। तब तक गुड बाय, टेक केयर।